हमें नहीं मालूम कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने ये तथ्य किसी वकील ने रखे भी या नहीं रखे, क्योंकि जो आंदोलनकारी किसान बॉर्डर पे बैठे हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट गए नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट कौन गया? सुप्रीम कोर्ट साथियों यही संगठन गया हुआ है। ये ऑल इंडिया जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, ये तो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर है, तो पेटिशनर को ही कमेटी का सदस्य कैसे बनाया जा सकता है? ये बड़ी अजीब बात है। अब हमें नहीं पता माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को किसने ये नाम दे दिए, इनकी इनके बैकग्राउंड और इनके स्टैंड की जांच क्यों नहीं करवाई गई? ये चारों व्यक्ति इन काले कानूनों के पक्षधर हैं और मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो ऐसे में इस कमेटी से न्याय कैसे मिलेगा? ये देश के हर नागरिक को समेत माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो किसान की पक्ष में बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तो किसानों के प्रति चिंता जाहिर कर रही है, मुख्य न्यायाधीश तो निराशा जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं सरकार से कि वो किसानों की स्थिति से निपटते नहीं, और जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो सारी मोदी जी के साथ खड़े हैं, इन काले कानूनों के साथ खड़े हैं। तो काले कानूनों की पक्षधर चार सदस्यीय कमेटी क्या खाक न्याय करेगी किसानों से? इसलिए इस पर जरूर अंतर्मंथन की देश को जरूरत है। इसीलिए हमारे किसान भाइयों ने भी साफ कहा, जो कांग्रेस ने कहा, जो राहुल गांधी जी ने कहा, कि केवल एक ही सोल्यूशन है, इन तीन काले कानूनों को खत्म करिए। और साफ है सरकार धक्का मार के किसानों को कभी कहती है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कभी कहती है हम कानून खत्म नहीं करेंगे, और साथ में कहते हैं 15 जनवरी को वार्तालाप करेंगे। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री जी को बातचीत करनी चाहिए। यह आज पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया, साफ है सुप्रीम कोर्ट कैसे निर्णय कर सकती है एग्जेक्टिव का, इसलिए उन्होंने कहा कि यह सरकार का काम है।